गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे आगे जो साइकिल्स हमारी चल रही थी उन साइकिल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीजल साइकिल की। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑटो साइकिल के बारे में पढ़ा था कि ऑटो साइकिल कैसे कैसे वर्क करती है, क्या क्या होता है उसमें। तो अब अगर हम बात करें डीजल साइकिल की, तो ऑटो साइकिल में जहाँ पे दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर होते थे, डीजल साइकिल में क्या होगा, एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर होगा ये वाला, और एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा ये वाला, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम की बात करें तो 4:1 ये वाला जो प्रोसेस है ये होगा कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये वाला बचा हुआ जो प्रोसेस है ये वाला, ये होगा कांस्टेंट प्रेशर। तो यानी कि अगर हम सिंपली बात करें एक लैंग्वेज में या एक सेंटेंस में से समझने की कोशिश करें, तो जो कंबस्टन होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ना होके कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। पिछली साइकिल में जो कंबस्टन हुआ था वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ था, लेकिन इस बार जो कंबस्टन होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। यानी कि कंबस्टन तो हम कंसिडर करते नहीं हैं, हम क्या कंसिडर करते हैं, हीट एडिशन। तो जो हीट एडिशन हो रहा है, हीट आ रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे आ रही है, और हीट जो रिजेक्ट हो रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी वहाँ पे बढ़ जाएगा, ये हमें कंसीडर करके चलना है। तो बाकी प्रोसेस वही है, एडियाबेटिक प्रोसेस होंगे, दो एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, एडियाबेटिक एक्सप्रेशन होगा, और दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें Q1 की, डीजल इंजन फॉर दिस साइकिल, तो अगर हम Q1 की बात करें, जो यानी कि हीट जो आएगी, Q1 जो हीट हमारी आ रही है, दो एडियाबेटिक पे तो कोई हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है। Q1 होगी CP कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि CP क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, T3 माइनस T2। और Q2 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, CV यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो CV यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, T4 माइनस T1। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, अब वर्क डन भी सेम ही रहेगा, बाकी सभी चीज़ सेम है तो वर्क डन भी सेम रहेगा। तो वर्क डन क्या रहेगा, अब अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी वर्क डन वही रहेगा, यानी कि हीट रिजेक्टेड और हीट जो आई है उन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, एफिशिएंसी क्या होती है, जो इनपुट दिया है हमें उसको आउटपुट को उससे इनपुट से डिवाइड कर देते हैं। तो आउटपुट क्या है हमारा, बेसिकली आउटपुट है हमारा वर्क डन। अगर हम एफिशिएंसी की जनरल टर्म्स में बात करें, अगर हम जनरली एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी हमारी होगी वर्क जो हमने दिया है अपॉन हीट जो हमारी गिवन है Q1। अब अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं, वर्क क्या होता है, डिफरेंस होता है हीट इनपुट और हीट आउटपुट का, यानी कि Q1 माइनस Q2। तो अब अगर हम इनको सेपरेट डिवाइड करेंगे तो Q1 को Q1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और Q2 अपॉन Q1 यहाँ पे आ जाएगा। तो यही टर्म आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर टर्म्स रख देंगे हम यहाँ पे, यानी कि Q1 बाई Q2। अब एक और चीज़ होती है, जो CP और CV होते हैं, यानी कि पिछली वाली साइकिल में दोनों जगह CV आ रहे थे, यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर तो आएगा हमारा CV, जस्ट वन सेकेंड, ऊपर आएगा, यानी कि अगर हम इसको आगे इसी टर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस Q1 की जगह Q2 की वैल्यू है CV, और जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है इनका DT1 लिख लेते हैं हम इसको, DT1, और जो नीचे आएगा वो आएगा CP DT2, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस सेकेंड। तो अगर हम इनकी बात करें, अब ये टर्म तो अलग है ही, हमारी अलग हो जाएगी, इन दोनों की बात करें CP और CV, पहले तो CV थी कैंसिल हो गए, लेकिन इन CP और CV के बीच में रिलेशन होते हैं, दो रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन होता है CP डिवाइड बाई CV इक्वल्स टू होता है गामा।
तो गामा की वैल्यू होती है सी पी वाई सी पी, लेकिन यहाँ सी वी वाई सी पी आ रहा है तो वन अपॉन गामा हो जाएगी। अब और एक और रिलेशन होता है इनके बीच में सी पी और सी वी के बीच में, वो होता है कि सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर होता है, आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी। आर इज क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये होता है सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब आगे इसको गामा की वैल्यू हो गई। अब टी वन टी टू के बीच में जैसे हमने लास्ट वाली क्लास में जैसे हमने निकाले थे, उसी तरह से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे इनको। तो रिलेशन आएगा यहाँ से टी वन कॉमन लेते हैं तो आता है टी फोर बाई टी टू माइनस वन, और यहाँ से टी टू कॉमन लेते हैं तो ये आता है टी थ्री माइनस टी टू माइनस वन। तो अब टी फोर इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो ये क्या ये आता है कि टी वन बाई टी टू की वैल्यू होती है वी टू बाई वी वन की पावर गामा माइनस वन, और टी फोर बाई टी थ्री की वैल्यू होती है वी थ्री बाई वी फोर की पावर गामा माइनस वन। अब इनको हम रिप्लेस कर देते हैं, आपस में इनको रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होता है, ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इन वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे अपने इक्वेशन के अंदर और निकालेंगे वैल्यूज़ इक्वेशन के अंदर पुट करके, तो क्या होता है एफिशिएंसी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे जितनी भी टी वाली टर्म है वैल्यू सारी टी की टर्म की वी की टर्म से रिप्लेस कर दिया। अब वी के बीच में दो हमारे पास रेशियो थे, एक होता है वी वन बाई वी टू, ये कंप्रेशन रेशियो होता है, और वी टू बाई वी थ्री ये प्रेशर रेशियो होता है, इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, इसको और इसको, आर और बीटा से जब हम इस फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा सामने। जस्ट वन सेकेंड, एफिशिएंसी इज इक्वल टू बीटा टू दी पावर गामा माइनस वन इंटू बीटा माइनस वन गामा आर टू दी पावर गामा माइनस वन। तो ये जो एफिशिएंसी है ये किसकी है, डीजल इंजन की आई है। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या थी, अगर हम ऑटो की एफिशिएंसी को याद करते हैं क्या रिलेशन था, अब मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ बीच में। अगर हम ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी की बात अगर हम ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था वन माइनस वन अपॉन आर टू दी पावर गामा माइनस वन, आर की पावर गामा माइनस वन, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला था। तो अभी यहाँ पे क्या आ गया है, नेटर प्रेशर रेशियो आ गया है बीटा बीटा और फिर गामा। तो इसमें क्या होगा, ये एफिशिएंसी डीजल साइकिल की हम निकाल सकते हैं यहाँ से कैलकुलेट करके। अब अगर हम नेक्स्ट साइकिल की बात करें तो नेक्स्ट साइकिल की बात करें तो क्या होगा, ड्यूल साइकिल में क्या होता है, ये तो कॉमन ही रहता है 1 to 2 एडियाबेटिक, उसके पास जो हीट ऐड होती है वो दो प्रोसेस में होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम में और एक कांस्टेंट प्रेशर में दोनों। जैसे यहाँ पे देखो, अगर एंथैल्पी में दिखाएं, ये 1 to 2 तो नॉर्मल हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वॉल्यूम है और यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट प्रेशर है, दो टाइम में यहाँ पे हीट एडिट हो रही है, 2 से 2 डैश और फिर 3 से 4 सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। जैसे हीट रिजेक्ट उसमें हो रही थी ऐसे इसमें हीट रिजेक्ट होगी, लेकिन हीट एडिशन का जो तरीका है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब अगर हम आगे बात करते हैं, Q1 जो होंगी दो होंगे, Q1 डैश कांस्टेंट वॉल्यूम और Q1 डैश कांस्टेंट प्रेशर। एक सेकंड में जूम करके आप जस्ट इन सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, Q1 Q2 ये होगी Q1 डैश और Q1 डबल डैश, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गई और एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो गई। तो दोनों तरह की टर्म यहाँ पे आ जाएंगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कांस्टेंट प्रेशर भी, ठीक है। तो अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये इस तरह से आएंगी, V1 T2 माइनस T2 डैश माइनस T2 प्लस CP T3 माइनस T2 डैश, क्लियर है। तो अगर हम आगे इसको स्टडी करते हैं तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये तो हमारी हो गई, इनपुट हो गया, आउटपुट हमारा वर्क डन है हमें पता ही है, या फिर हमें सीधा सीधा इनपुट पता चल गया, आउटपुट हमारा वर्क डन है ही। तो हम क्या करेंगे, हीट रिजेक्टेड और निकालेंगे, हीट रिजेक्टेड वही होगी जो हम पहले निकालते आए हैं। तो हीट रिजेक्टेड क्या होगी, सी वी
टी फोर माइनस टी वन, ये तो सभी में कॉमन रही है अभी तक, क्योंकि हीट रिजेक्शन का जो तरीका है वो सेम ही है। तो जो एफिशिएंसी होगी वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन होगी, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे एक और रेशियो आ जाता है कंप्रेशन रेशियो, इसको बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो क्या होता है, इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यानी कि दो प्रोसेस हैं, एक जो टू पे जाके रुक रहा है वॉल्यूम, और एक जो वॉल्यूम है थ्री पे जाके, टू डैश पे जाके रुक रहा है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है के क्या होता है, प्रेशर रेशियो होता है पी, जो एक सेकंड मैं दिखाता हूँ जूम करके, के क्या है प्रेशर रेशियो है पी टू डैश बाई पी वन का, और बीटा क्या है वॉल्यूम रेशियो यानी कि कंप्रेशन रेशियो वी थ्री और वी टू डैश का। तो के वन होगा तो पी टू डैश बराबर पी टू हो जाएगा, तो इससे हमारी डीजल साइकिल आ जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हमें केस अलग अलग बना के हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जनरल टर्म की बात की जाए तो इस तरह से इसको ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट साइकिल की बात करें वो होती है जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल। तो इन साइकिल में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम आईसी इंजन के हिसाब से देखें, लेकिन साइकिल है जो कि आगे यूज़ होगी। तो इसमें क्या है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। पहले ये वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे यहाँ पे आता है, उसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस है, फिर कांस्टेंट प्रेशर, दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हैं और दो एडियाबेटिक प्रोसेस हैं यानी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं। तो इन प्रोसेस पे यानी कि यहाँ पे आइसेंट्रोपिक पे तो हीट एडेड हो ही नहीं सकती, कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे हीट एड होगी, या तो यहाँ कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एड होगी और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट होगी। तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या आएगा, सीपी आएगा। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशंस देखें तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, फिर कांस्टेंट प्रेशर एडिशन ऑफ हीट होगा, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, फिर कांस्टेंट प्रेशर रिमूवल ऑफ हीट होगा। तो जैसे ऑटो साइकिल की तरह ही है ऑलमोस्ट, यहाँ पे क्या था सीपी आई है बस, तो वही प्रोसेस आ जाएगा आर की पावर गामा माइनस वन अपन गामा, क्योंकि वहाँ सीवी के टर्म में हमने टेम्परेचर और प्रेशर का रेशियो निकाला था, अब यहाँ सीपी के टर्म में निकालेंगे तो जो रेशियो होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो आर की पावर गामा माइनस वन अपन गामा टू दी पावर आर, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी टी वन बाई टी टू की। तो इसी तरह वैल्यूज पुट करके हम इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कंपैरिजन करते हैं ऑटो डीजल और ड्यूल साइकिल की, तो कौन सी साइकिल बेस्ट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अलग अलग केस बनाते हैं। पहला केस है इक्वल कंप्रेसर रेशियो एंड इक्वल हीट एडेड। इक्वल कंप्रेसर रेशियो और इक्वल हीट एड करने के बाद हमें पता चलता है कि एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है। एफिशिएंसी ऑटो की सबसे ज़्यादा है, फिर डीजल की, ड्यूल की और फिर डीजल की है, ठीक है। अब दूसरा रेशियो करते हैं हम, अब क्या इक्वल कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो इक्वल करते हैं और हीट रिजेक्टेड बराबर करते हैं। हीट रिजेक्टेड बराबर और कंप्रेशन रेशियो इक्वल करने के बाद क्या आता है, अगर हम डेरिवेशन के हिसाब से देखें तो क्या आता है, एफिशिएंसी ऑटो की ज़्यादा है, फिर एफिशिएंसी ड्यूल की ज़्यादा है और डीजल की ज़्यादा है, यानी कि सेम जो पहले रहा वही सेम अब रहेगा। अब क्या इक्वल मैक्सिमम प्रेशर एंड इक्वल हेड हीट एडेड, मैक्सिमम प्रेशर बराबर है और हीट एडेड बराबर है, तो भी क्या रहता है ऑटो की सबसे ज़्यादा, फिर ड्यूल और फिर उसके बाद डीजल, सॉरी डीजल की सबसे ज़्यादा, फिर ड्यूल और फिर उसके बाद ऑटो, ऑटो की सबसे कम है। तो इक्वल मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो भी क्या होगा, ऑटो की सबसे कम है, ड्यूल की उससे ज़्यादा है और डीजल की सबसे ज़्यादा, तो डीजल हर जगह टॉप पे है। तो ये था हमारे आज के लेक्चर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम परफॉर्मेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्टिंग परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।